जो 2003 तक भर्ती हैं उनके लिए DPF है, जो वो कटा सकते हैं अपनी मर्जी से कितना भी कटाना चाहें, वो यहाँ पे उनका कटेगा। जो 2004 से भर्ती हैं उनके लिए DCPS है, TCPS जो NPS से संबंधित है, न्यू पेंशन सिस्टम से संबंधित है। नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे सैलरी का, HCM एंड HCGD जिसे बोलते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी, उनके बारे में बात करेंगे हम। ये जनरल ड्यूटी जो है सामान्य ड्यूटी में आ जाता है, जो मिनिस्ट्रियल का है ना ये ऑफिस ड्यूटी का रहता है। तो हम इसमें दोनों की सैलरी जानेंगे, किसकी कितनी सैलरी है। हम सेम एक मंथ का लेंगे, सेम मंथ का, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या अलाउंसेस मिलते हैं, कितने अलाउंसेस मिलते हैं और किस जगह पे उनका महत्व ज़्यादा होता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इसको पूरा फैला दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जो SSC GD से आ रहे हैं वो SC GD में भी जा सकते हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी जा सकते हैं, और ओपन से जो हैं वो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आ सकते हैं। वो इन सब की जानकारी रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें सैलरी स्लिप के माध्यम से बताया गया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी से। ये देखिए यहाँ पे ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लिखा है, जिसे बोलते हैं HCM। HCM की सैलरी से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मेरी पे स्लिप है, ये देखेंगे आप सोनू कुमार लिखा है, तो यहाँ पे आपका नंबर हो जाता है, यहाँ पे आपका जो ऑफिस है नाम हो गया या डिजाइनेशन हो गया जो ये लिखा है, उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल हो जाती है, बैंक का जो है एड्रेस हो जाता है, ये जी ऑफिस GPF है कि नहीं है, जो यहाँ पे GPF नंबर होता है, DCPS होता है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होता है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर होता है। हमारा सबसे पहले आ जाता है बेसिक पे। बेसिक पे हमारा कौन सा है, ये हमारा बेसिक पे, आप देख लें बेसिक पे 30,500 रुपया है, ठीक है, बेसिक पे 30,500 रुपया है। उसके बाद ग्रेड पे, ग्रेड पे वाला सिस्टम पहले था 6th CPC तक, उसके बाद 7th CPC से ग्रेड पे हटा दिया, तो बेसिक पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, पेंशन। पेंशन तो इसमें देता नहीं है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, इसलिए पेंशन का नहीं देगा। पर्सनल पे या PA, ये भी नहीं है। स्पेशल पे, कोई स्पेशल पे आता है तो आपका यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है वॉशिंग अलाउंस। वॉशिंग अलाउंस क्या है, पहले चलता था ये 6th CPC तक चलता था, ठीक है, जो 6ठा वेतन आयोग था वहाँ तक चलता था, 7वें वेतन से इसको हटा दिया। उसके बाद आ गया अपना राशन मनी, जो बोलते हैं ये है अमाउंट, राशन मनी जो खाने का पैसा होता है, राशन मनी, राशन मनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये HCM की सैलरी है, आप लोग समझेंगे। उसके बाद में यहाँ नीचे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कोबरा अलाउंस, ये इंस्पेक्टर तक का जो है ग्रुप B तक का 17,300 मिलता है, ठीक है, ये फोर्स में 17,300। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका रिक्स अलाउंस, ये रिक्स अलाउंस भी आपका जो है 17,300 ही है, जैसे कि ये मिलता है J&K हो गया, आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, AP हो गया, इन सब जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको 17,300 मिलेगा। उसके बाद 9,700 भी मिलता है, जो उससे थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना आप लोग। उसके बाद क्या मिलता है, ये मिलता है 7,450 भी मिलता है, उससे जो और थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। रिक्स अलाउंस क्या, रिक्स अलाउंस RA जिसे बोलते हैं, ठीक है, रिक्स अलाउंस, ये वहाँ ये तीन प्रकार से रिक्स अलाउंस मिलते हैं, 17,300 मिलता है, 9,700 मिलता है, और आपको 7,450 मिलता है, ठीक है। ये तीन रिस्क अलाउंस आपको मिलता है क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान देंगे, आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HRA, जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंस, ठीक है, ये HRA है। HRA कितना परसेंटेज मिलता है, HRA आपको 24%, 7 CPC के अनुसार 16%, उसके बाद में आपको 8%। जैसे ये है, ये महानगर के लिए, जो बड़े बड़े महानगर हैं, हाईटेक सिटी हैं, वहाँ पे आपको 16% दिया जाएगा, वहाँ पे आपको क्वार्टर होगा या तो किराया लिए होंगे तो। उसके बाद ये जो उससे थोड़ा नॉर्मल होगा, इलाहाबाद, जयपुर, जो थोड़ा सा अच्छे सिटी हैं, वो भी वहाँ आपको 16% दिया जाएगा। ये है जो नॉर्मल सिटीज़ हैं और जो रूरल क्षेत्र हैं, गाँव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको 8% दिया जाता है। किसका दिया जाता है आपको, आपको बेसिक पे का दिया जाता है, ठीक है, जो आपकी बेसिक पे रहेगी, बेसिक वेतन जो रहेगा उसका जो है आपका 24%, 16% या 8%, ठीक है, इस अनुसार आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको HDA, HDA आपको स्पेशल जो है ये असम की तरफ मिलता है, असम साइड में, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद HCA, ये भी उधर ही मिलता है, और ये आपका आ गया CA/ट्यूशन फी। जो CA होता है दोस्तों, CA की बात करें हम, ये हमारा है CA,
CEA, ये बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, शिशु शिक्षण भत्ता, शिशु शिक्षण भत्ता, इसे हम शिशु शिक्षण भत्ता बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या मिलता है, ये आपके दो बच्चों को मिलेगा, दो बच्चों का। कब तक मिलेगा, जब आपके बच्चे जो है ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ेंगे, कहाँ से, आपका प्लेग्राउंड से, पीजी से, चाहे उसको एलकेजी बोल दो, एलकेजी, यूकेजी, उसके बाद एक से लेके 12 तक आपका मिलेगा, मतलब है कि 14 बार आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कितना मिलेगा, एक बच्चे का आपको मिलेगा 27,000 एक बच्चे का, प्लस फिर 27,000 अगर दूसरा बच्चा भी है तो आपका टोटल कितना हो गया, 54,000 हो गया दोस्तों, ठीक है। हर वर्ष आपको आपके दो बच्चों का, चाहे आपके पांच बच्चे क्यों ना हो, लेकिन आपको दो ही का मिलेगा, आप ध्यान देना, दो ही का मिलेगा, पांचों का नहीं मिलेगा, ठीक है, सभी का, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, सभी का इक्वल। अभी हम बात करेंगे ट्रेनिंग अलाउंस। यदि आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हो, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, जैसे SSC GD वाले भी आ रहे हैं, SSC GD वाले हो गए, SCM वाले हो गए, CPO SI वाले हो गए, AC वाले हो गए, ठीक है। इन सबको जो होता है वो जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको जो है ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रेनिंग अलाउंस उनको मिलता है, यहाँ पे उनका रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस, जब आपका मेडिकल अलाउंस लगता है पेंशन के बाद, तो पेंशन में आपको मिलने लगता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डेपुटेशन, ठीक है, डेपुटेशन मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, और SSC GD और CPO SI का वीडियो पेमेंट का, उसको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख लेना, SSC GD का भी है और CPO SI का भी है पे। अब डेपुटेशन में क्या है, NSG, ESPG, NIA, ठीक है, SDG, ठीक है, NDRF, CBI, IB, ये सब जो जाते हैं उनका जो है यहाँ अलाउंस उनको लगता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उनको मिलता है। उसके बाद में आप RF में जाते हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स होता है, रैपिड एक्शन फोर्स, जैसे RF है हमारी, 15 यूनिट है CRPF की, उसमें आपको RF अलाउंस मिलता है। और TPD आपको मिलता है लगभग 1800 से 2000 के बीच में आपको TPT मिलता है, ठीक है, जहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा। ये अदर अलाउंस जो दे रहा है दोस्तों, आप अदर अलाउंस देख रहे होंगे, अदर अलाउंस में जैसे कभी एरियर आ गया आपका, मान लीजिए आपका रिस्क अलाउंस का एरियर आया, तो आपको अदर अलाउंस में शो करेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे दे देगा आपका, ठीक है, ये अमाउंट जितना होगा 15,000 होगा चाहे 15 लाख होगा, वो आपको यहाँ दे देगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका DA का एरियर आएगा, जैसे मान लीजिए आपका DA, आपका DA रहने से अलाउंस यहाँ पे है, जो आपके बेसिक का मिलता है, तो आपका DA का एरियर आया, तो आपका DA का एरियर मान लो कि कभी एक साल दो साल का रह गया है, तो 50,000 आया, 20,000 आया, ठीक है, वो आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर TPT एरियर, जैसे बताया था आपको TPT एरियर, TPT यहाँ दिया है, उसका एरियर आएगा तो यहाँ रहेगा। उसके बाद में हेयर कटिंग आपका देखो लग रहा है 45 रुपया, उसके बाद सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस का आपको 45 रुपया, और आपका राम अलाउंस का आपको देख रहे होंगे 248 रुपये, जो आपके दारू का पैसा है, मदिरा का पैसा है। एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस जैसे हो गए फीटर हो गए, व्यूलर हो गए, ठीक है, आर्मोरर हो गए और रेडियो ऑपरेटर हो गए, उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस मिलता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस मिलता है दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हो गया एक्स्ट्रा वर्क का। उसके बाद आ गया राशन मनी, जो खाने के पैसे का एरियर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यदि आपको रुका रहेगा तो, वैसे SDA का एरियर, वैसे कोई अदर एरियर रहेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, 61,839 रुपया, ये मेरी सैलरी बन रही है, आप देखें ग्रॉस सैलरी दिख रही है आपको, आपके सामने आपको ग्रॉस सैलरी दिखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिडक्शन क्या क्या हुआ है, इसमें डिडक्शन क्या क्या हुआ है, आप यहाँ देखेंगे आपको इनकम टैक्स मेरा कटा है कितना, 13,317 रुपये, ठीक है, 13,317 रुपये मेरा इनकम टैक्स कट गया है। जो 2003 तक भर्ती हैं उनके लिए GPF है, जो वो कटा सकते हैं अपनी मर्जी से, कितना भी कटाना चाहें वो यहाँ पे उनका कटेगा। जो 2004 से भर्ती हैं उनके लिए DCPS है, DCPS जो NPS से संबंधित है, न्यू पेंशन सिस्टम से संबंधित है, तो यहाँ पे उनका कटेगा ये। उसके बाद इतना ही उनको गवर्नमेंट देगी, 3,569 रुपया × 2, इतना मुझे सरकार देगी, तो ये मेरा अमाउंट यहाँ पे मेरे खाते में जुड़ता रहेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये 30 रुपया आपका कटता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे टोटल डिडक्शन कितना हुआ है, 16,916 रुपया हुआ है, 16,916 रुपया ये हुआ है आपका, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो इसके बाद में आपका क्या होता है,
आपका फिर ये आपका जो है ऑफिस लेवल पे कटौती होती है, जो ये 250 रुपये आपका कटा है, 16,916 प्लस 250 रुपये हम इसमें माइनस करेंगे, ग्रॉस में माइनस करेंगे तो हमारी नेट सैलरी ये बन जाएगी 44,063 रुपये, 44,063 रुपये, ठीक है। ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। यदि देखो, यदि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है, अगर ये हमारा इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं कटा होता, इनकम टैक्स नहीं कटा होता तो 44,063 रुपया प्लस हो जाता है यहाँ पे 13,317 रुपया, तो ये समझ लीजिए कि मेरी सैलरी वही 58,59 के पास पहुँच जाती, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स काट लिया तो टोटल हमारी सैलरी आप देख सकते हैं, टोटल हमारी सैलरी आपको दिख रही होगी ये है। अब इसमें आप जोड़ सकते हो 13,317 रुपये जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ग्रॉस सैलरी है। तो ये रही HCM की सैलरी, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, HCM की सैलरी बोले तो मेरी सैलरी, ठीक है, बोले तो मेरी सैलरी, ठीक है दोस्तों। अब हम ले चलते हैं आपको GD की सैलरी की ओर, जो हवलदार GD हैं उनकी सैलरी की ओर ले चलते हैं। उनकी सैलरी आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल ये सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक पे इनकी जो है 39,000 है, और इनकम टैक्स 3,000 कटा है, और ये GPF कटा रहे हैं 12,000 रुपये, ठीक है। और ये इनका जो है राशन मनी मिला है 3,636 रुपये, और इनका HRA है यहाँ पे 6,672 रुपये, और इनका DA है 6,664 रुपये, और इनका TPT मिल रहा है, देखो इनको यहाँ पे TPT मिल रहा है, ठीक है, 2,016 रुपये। तो और इनके बाद इनको मिला है ये अदर अलाउंस, जिनके पास मेडल भी है उनको भी मिलता है 2,000 रुपये, जिनके पास PMG होता है, PMG मेडल होता है उनको 2,000 रुपया मिलता है, और जिनके पास PPMG प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है, उनको 3,000 रुपया मिलता है, और जो PMG होता है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है, उनको 2,000 रुपये पर मंथ मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हो गए दोस्तों। उसके बाद इनकी ग्रॉस सैलरी आप देखेंगे, इनकी है 59,965 रुपया, और इनका टोटल डिडक्शन है 15,030 रुपया, 15,030 रुपया प्लस ये इसमें हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी कितनी हो गई सैलरी, 44,078 रुपया। ये हो गई दोस्तों HCGD की सैलरी, जो हेड कांस्टेबल GD होते हैं, जो जनरल ड्यूटी होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है और आशा भी है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किए हैं तो, और लाइक करके मेरा हौसला